प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको शत्रुओं के उच्चाटन का एक जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन फिर से एक बार मैं कह दूँ आपसे कि आप अपने जिद को पोषने के लिए, अपने अभिमान को मान देने के लिए यदि किसी का अहित करना चाहते हैं तो ना करें। सिर्फ थोड़ी सी आपकी ईर्ष्या, आपकी जिद, आपका अहम पोषने के लिए यदि आप किसी का इतना बड़ा नुकसान करते हैं तो पाप में आप पड़ेंगे। जितने भी जो भी उच्चाटन के मैं जो बता रही हूँ प्रयोग, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो शत्रु बिना वजह आपको परेशान करते हैं, जो अपने पैसे और पावर के बल पर आपको अतिशय परेशान कर रहे हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनका आप सीधे सीधे सामना नहीं यदि कर पाते हैं तो ही आप इन चीज़ों का उपयोग करें। उच्चाटन का दोस्तों, जो भी मैं मंत्र बताती हूँ, जो भी मैं क्रियाएं बताती हूँ तंत्र करने के, उसके लिए मंत्र है दोस्तों। यदि आप उस मंत्र को एक बार सिद्ध कर लेंगे तो उसके बाद आप जो भी उच्चाटन की क्रियाएं करेंगे, आपकी वो सारी ही क्रियाएं सिर्फ 11 बार उस मंत्र को बोलने से सफल हो जाती हैं, अगर आप उसको पूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो। यदि आपको इसका थोड़ा बहुत अनुभव चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि ये क्रियाओं से क्या होता है, नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए इसकी असर यदि आपको देखनी है, तो जो मैं मंत्र आपको बताऊंगी उस मंत्र से 11 बार वस्तु को आप अभिमंत्रित करें, चीज़ों को, और शत्रु के सिर पर डाल दें। ऐसी 50 चीज़ें हैं दोस्तों, मैं वीडियो इसके लिए अपलोड्स करूंगी, वन आफ्टर अनदर करती जाऊंगी। आपको उन चीज़ों को सिर्फ 11 बार बोल करके शत्रु के सिर पर डाल देना है और उसका भयंकर असर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरी जानकारियाँ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आपको लेना है हड़ताल, लहसुन और धतूरे के बीज, तीन चीज़ आप ले लें। तीनों ही चीज़ थोड़ी थोड़ी, जितना चूर्ण आप, मतलब समझो आधा चम्मच जितना चूर्ण बन जाए, इस इतनी इतनी आपको तीनों ही चीज़ें ले लेनी है। तीनों ही चीज़ों को दोस्तों पीस लेना है, बराबर पीस करके, और आपको उसको शत्रु के सिर पर डाल देना है मंगलवार या रविवार को। आप देखेंगे आपका शत्रु आधा पागल हो जाएगा, उसका जो दिमागी संतुलन है वह चला जाएगा। लेकिन मैं फिर से बताऊं दोस्तों, ये सब कुछ करने से पहले हजारों बार सोच लेना। यदि आप अपने अहम को पोषने के लिए ये क्रियाएं कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करना। थोड़ा बहुत यदि कहीं सहन करना पड़ता है तो सहन कर लो, लेकिन गलत मत करो। ये क्रियाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो बहुत परेशान हैं शत्रुओं से, बिल्कुल निर्दोष हैं। ये क्रियाएं उन लोगों के लिए हैं। फिर से बता दूं दोस्तों, हड़ताल लेना है, लहसुन और धतूरे के बीज, सिर्फ तीन चीज़ें आपको लेनी है, पीस करके इनका चूर्ण बना लेना है, और मंगलवार या रविवार दोनों में से कोई भी एक दिन आपको इसे शत्रु के सिर पर डाल देना है। इसके पहले दोस्तों, आपको जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र को, मंत्र की आप एक माला कर लें, और जब आप इसको डालने के लिए जाते हैं शत्रु के सिर पर, उसके पहले 11 बार इस चीज़ को देखते हुए 11 बार इसे अभिमंत्रित कर लें, इसके बाद ही आप इसको डालें। तो दोस्तों, मंत्र आप ध्यान से सुन लें, और ये मंत्र आपको दोस्तों दोपहर के समय करना है, बराबर दोपहर के टाइम बैठ करके सिद्ध करना है, ठीक है? तो मंत्र आप सुन लें ध्यान से। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवते रुद्राय दंड करालाय अमुकम शपुत्र बांधवे शह हन 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 दह दह पच पच
शीघ्र उच्चाटय हुम फट स्वाहा ठह ठह ठह। दोस्तों मंत्र में एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ओम नमो भगवते रुद्राय दंड करालाय अमुकम सपुत्र बांधवे सह हन 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 दह दह पच पच शीघ्र उच्चाटय हुम फट स्वाहा ठह ठह ठह। तो दोस्तों ये है मंत्र, आपको इसे एक दिन पहले या कभी भी जब भी आपके पास समय हो इसकी आपको एक माला कर लेना है पुत्र जीविका माला से, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, एक माला का जाप कर ले और उसके बाद जब आपको एक क्रिया करनी है या उच्चाटन की कोई भी क्रिया, मैं आपको बताती हूँ, इसे 11 बार पढ़ करके और आप किसी का भी उच्चाटन कर सकते हैं, बहुत ही फटाफट इसका असर शुरू हो जाएगा। और हाँ, यदि ये सब कुछ करने में जैसे आपने किसी के साथ ये कर दिया है फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने गलत किया है, कहीं भी आपकी आत्मा आपका जीव अगर ये कहता है कि ये गलत है, आप उसे रोकना चाहें तो सोमवार के दिन उसे मिश्री और दूध पिला दें सुबह सुबह खाली पेट, ठीक हो जाएगा। और ये करने के बाद आपका शत्रु आधा पागल अवस्था में पहुंच जाएगा, वो आपका कुछ भी गलत नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें, जय श्री कृष्ण।